खबर दौसा के सिकराय से है, जहां रेटा गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामचरणी मीना के साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में एसडीएम हरिताप कुमार को ज्ञापन सौंपा गया और इसी दौरान रामचरणी ने आरोप लगाया कि महिला सुपरवाइजर निर्मला गौतम ने समूह के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाने का दबाव बनाया और दौसा में अकाउंट खुलवाने के लिए उसे बुला लिया गया। इसके बाद खाली चेक पर अध्यक्ष और सचिव से हस्ताक्षर लेकर धोखाधड़ी की गई। अब खाली चेक से पैसे निकालने का डर बना हुआ है। वहीं इस मामले में एसडीएम ने जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।